समाचार के आदि से प्रिया शर्मा सुबह की 10 बड़ी खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाचार के आदि के एडिटर इन चीफ राजेश कुमार ने बादली के पूर्व विधायक नरेश कौशिक से खास बातचीत की। नरेश कौशिक ने खोले दिल के गहरे राज, हुए मोदी के मुरीद, धनखड़ को बताया देशभक्त विकास पुरुष। संजय जून ने बताया कि झज्जर जिला में 100 वर्ष से अधिक आयु के 100 मतदाता हैं। दुष्यंत चौटाला 19 तारीख को संजय कबलाना के समर्थन में करेंगे भारी जनसभा। कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान केवल और केवल दामाद जी को ही किस प्रकार फायदा पहुंचाया जाए यही सोचा गया। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बादली हलके में दोबारा कमल खिलाने का आह्वान करते हुए कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ काम का आदमी है, इसने बनाओ और जमकर काम लो। उन्होंने कहा कि धनखड़ की दूरदर्शी सोच के नेता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविंग और लेखा टीमें तथा नोडल अधिकारियों की टीमें मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। पीएम मोदी आज हिसार में करेंगे जनसभा, महेंद्रगढ़ में सोनिया नहीं राहुल गांधी गरजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हरियाणा में कांग्रेस, जजपा और इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों के कुछ नेता तो जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं और जो नेता बचे हैं वे आपसी टकराव के खेल में व्यस्त हैं। 3 माह पहले भाजपा में आए सुरेंद्र चौधरी आप में शामिल, केजरीवाल ने पहनाई टोपी। रहस्यमय बुखार से हुसैनी गांव में हड़कंप, 2 महिलाओं की मौत, 30 PGI चंडीगढ़ रेफर।